दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध से है या पुरुषार्थ से। हम जिंदगी में कई बार फेल हो जाते हैं और हमारे प्रारब्ध को कोसते रहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है? क्या सचमुच जिसे हम नसीब कहते हैं वो ही प्रारब्ध है या पूर्व जन्म का कर्म? पुरुषार्थ हम किससे कहते हैं? क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा या सक्सेस मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। प्रारब्ध परिणाम स्वरूप है, इसलिए वह पुरुषार्थ से जुदा होता है। पुरुषार्थ कॉज स्वरूप से होता है, कॉजल फॉर्म में होता है, और प्रारब्ध इफेक्ट फॉर्म में होता है, परिणाम स्वरूप होता है, और वो पूरा हो जाता है। परिणाम आके वो कर्म वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है। प्रारब्ध से नया बंधा जाता है और पुरुषार्थ से नया बंधा जाता है, और उसका फल प्रारब्ध में आके वो फल स्वरूप फल देके खत्म हो जाता है। फिर नया ज्ञान दशा में तो नया पुरुषार्थ होते रहता है, नया कर्म बंध ही जाता है। यह साइकिल चलती रहती, बंद नहीं होती है। ज्ञान होने के बाद ही यह बंद होती है साइकिल, और ये इससे छूटने के लिए रियल पुरुषार्थ की जरूरत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भीतर में बाहर में जो भी क्रियाएं हो रही है उनको आप देखते रहो, जानते रहो, उन सब के ज्ञाता दृष्टा रहो, तो भीतर में आनंद रहेगा और ये कर्म से छूटते जाओगे। समझ में आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में आपको नहीं लगता कि पुरुषार्थ की वैल्यू कम सी हो गई है? आज के जमाने में हम कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फल की इच्छा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मन चाहा फल न मिलने पर नसीब या प्रारब्ध को कोसते हैं? तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। खरगोश मध्य प्रदेश। भवानी शंकर कहते हैं कि यथार्थ कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, अथवा एक ही है? कृपा समझाइए। जय श्री कृष्ण। इनमें यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, अज्ञात कर्म यज्ञार्थ। हाँ, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त स्वर्ग समाचर। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ, यज्ञार्थ कर्म और अपना जो पुरुषार्थ है इसमें क्या अंतर है? अज्ञात कर्म दूसरी बात कहेगी, जो कर्म हमें पता नहीं चलते हैं, अज्ञात कर्म जिसकी मालूम वो मालूम ही नहीं पड़ते हैं उसे अज्ञात कर्म कहते हैं, और यह हर किसी से होते ही रहता है। कर्म सब बंधे जाते हैं ना, वो अज्ञान दशा में बंधे जाते हैं, और बंधन तो अज्ञान दशा में ही होता है। ज्ञान दशा में तो बंधन है ही नहीं, पता ही नहीं चलता है, और जब फल भी आता है तभी वही उस समय भी आपको वो कर्म अज्ञात ही रहता है कि यह फल मेरे किस कर्म का परिणाम स्वरूप आया है। उस समय भी हम अज्ञात ही रहते हैं, ज्ञान के बाद ये सारी चीजें खुली हो जाती हैं। पुरुषार्थ भिन्न है इससे? बहुत ही भिन्न है। पुरुषार्थ तो हमने बताया दो प्रकार के पुरुषार्थ है, एक रियल आत्मा का पुरुषार्थ है और दूसरा अज्ञान दशा का अहंकार से जो होता है वो सारा पुरुषार्थ है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, भ्रांति का पुरुषार्थ है, और यह दिन रात चलते रहता है। भ्रांति का पुरुषार्थ तो दिन रात चलते रहता है, मैं भवानी शंकर बोल के आप सो गए तो भी नींद में भी वो पुरुषार्थ चलता है। अहंकार माना जाएगा या उसे ही अहंकार कहेंगे। अहंकार से जब मुक्त हो गए तभी यह भ्रांति का पुरुषार्थ बंद होता है और आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, साथ साथ में ही अहंकार खत्म होते ही फिर आत्मा से पुरुषार्थ शुरू होता है। वो आत्मा का पुरुषार्थ उसे रियल पुरुषार्थ कहते हैं।
सच्चा पुरुषार्थ। और वह पुरुषार्थ यानी आत्मा से पुरुषार्थ कैसा होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, उसका क्या फंक्शन है, तो सिर्फ देखता है, जानता है, ज्ञाता दृष्टा ही है। पहले सबसे पहले वो किसका, किस चीज का ज्ञाता है, दृष्टा है, भवानी शंकर का, भवानी शंकर के अहंकार का, उसके मन का, बुद्धि का, चित्त का, जो जो क्रियाएं होती है उसके सारी चीजों का वह सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। इसमें वह दखल नहीं करता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ या गलत है या सच्चा है, जो भी है सो आने दो जाने दो, कहीं पकड़ के नहीं रखता है। पकड़ के रखे तो आपको चिपकेगा, आप उसमें तन्मयाकार होए, अच्छा है बुरा है ऐसा हुआ अंदर भीतर में तो वहां ही तन्मयाकार हुए, तो उससे यह परमाणु चार्ज होते हैं बाहर के, और वह चार्ज परमाणु अपने भीतर में आके आत्मा से चिपक जाते हैं। जितनी ज्यादा आपको अच्छे बुरे राग द्वेष होता है उतने परमाणु ज्यादा चार्ज होते हैं और भीतर में कलेक्ट होते हैं। ये चार्ज परमाणु आप फिर नेक्स्ट जन्म में साथ में ले जाते हैं सूक्ष्म में। मैं शुद्धात्मा हूँ, इस टाइप से आत्मा भावना करके मतलब हम काम करते हैं तो वो रियल पुरुषार्थ माना जाएगा? ये आत्मा जानने के बाद ही हो सकता है। तो ज्ञान तो लिया है मैंने, एक वर्ष हो गया। तो आप वहाँ उस, ये आत्मा भावना करने का नहीं है, आत्मा दशा में रहने का है, भवानी शंकर से अलग रह के आत्मा में रहने का है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भवानी शंकर अलग है, और भवानी शंकर जो भी कुछ कार्य करता है वो अपनी अपना जो लेके आया है चार्ज कर्म उसका डिस्चार्ज भुगत रहा है, पूरा कर रहा है, और आप अलग रह के इन सारी चीजों को देखो, जानो, अलग रहो, यह इसको रियल पुरुषार्थ कहा जाता है। इससे आपके पिछले कर्म खत्म होंगे, नए नहीं होंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है, हम दोनों तरफ से सुनते हैं, जैसे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों प्रॉब्लम अराइजेस जब खूब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती, और किसी को बिना मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है, इसको हम क्या कहें? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है कि पुरुषार्थ प्रारब्ध में पहले से ही निश्चित होता है। भरत, यदि प्रारब्ध से पहले से ही निश्चित होता है जो पुरुषार्थ, उसे पुरुषार्थ कैसे कहा जाए? प्रारब्ध की तो बीच में दखल आ ही गई, समझ में आया, तो उसे पुरुषार्थ नहीं कहा। पुरुषार्थ हमेशा स्वतंत्र है, उसे किसी चीज के आलंबन की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रारब्ध में सारी चीजों की जरूरत है, पुरुषार्थ भीतर में होता है, सूक्ष्म में होता है, और प्रारब्ध तो बाहरी चीजों के कितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं तब आप प्रारब्ध को देखते हैं फल स्वरूप से, जो है ना, इंडिपेंडेंट है पुरुषार्थ, प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध तो डिपेंडेंट है और कितने सारे संयोगों से डिपेंडेंट है। प्रारब्ध सूक्ष्म है और नहीं, प्रारब्ध स्थूल है, पुरुषार्थ सूक्ष्म है। प्रारब्ध तो आप देख सकते हो कि ये फल आया, आप इधर आके बैठे हैं, ये प्रारब्ध है, आके बैठे वो प्रारब्ध दिख सकते हैं, आप अनुभव सकते हैं, और भी देख सकते हो, और लोग भी समझ सकते हैं। तो जो इंद्रियों से जाना जाता है वह सब पुरुषार्थ है, और इंद्रियों से पर अतिंद्रिय से जाना जाता है वह पुरुषार्थ है। प्रारब्ध परिणाम है, पुरुषार्थ परिणाम नहीं है। भ्रांति में वो कारण स्वरूप होता है पुरुषार्थ, और ज्ञान दशा में सारे कर्मों से छुड़ाता है, मुक्त करवाता है। रियल पुरुषार्थ निश्चित नहीं होता है पुरुषार्थ। ज्ञान से प्रारब्ध और पुरुषार्थ में फर्क पड़ता है, आसमान जमीन का फर्क पड़ता है। पुरुषार्थ रियल सेंस में, सच्चे अर्थ में शुरू होता है, भ्रांति चली जाती है, ज्ञान मिलने से आत्मा प्रकट होता है, फिर जो पुरुषार्थ होता है आत्मा से होता है, जो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा परमानंद इतना ही है, और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है।
और जो भी कुछ प्रारब्ध है अज्ञान के बाद, प्रारब्ध में आपको जो भी कुछ मिला, तो आप उससे विचलित नहीं होगे। नाकामयाबी भी आ गई तो भी आप उसको बहुत तटस्थ भाव से, निर्लेप रह के उसको आप निकाल कर सकोगे, उसमें आप इन्वॉल्व होके भुगतेंगे नहीं, भुगतना बंद हो जाएगा। जो भी हुआ सो न्याय है, करेक्ट है, पूरा करो। अज्ञान दशा में तो अच्छा कुछ हुआ तो खुश खुश हो जाओगे, बुरा कुछ होगा तो दुखी हो जाओगे। यह दुख सुख से पर अंदर भीतर में मुक्त रहेगा, आत्मा का ही आनंद आपको रहते रहेगा, निराकुलता रहेगी। बहुत बड़ा फर्क होता है, फिर चिंता टेंशन सब चले जाता है। जो भी कुछ भी होता है उसको आप सहजता से स्वीकार कर सकते, हुआ सुनिया है, व्यवस्थित है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। क्या प्रारब्ध पुरुषार्थ में संबंध है? प्रारब्ध तो संचित कर्मों से इस जन्म में भोगने के लिए लाई हुई कर्म की गठड़ी है, और पुरुषार्थ तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले निश्चयात्मक कर्म पुरुष। यही अर्थ है कि प्राप्त्यार्थ क्रिया जानने वाला निष्काम निरपेक्ष कर्म कृपया अधिक स्पष्ट करें। कर्म स्वयं रियल पुरुषार्थ में नहीं आता है, भ्रांति में ही आता है कर्म। भ्रांति होती तभी कर्म, फिर चाहे आप उसे निरपेक्ष कर्म कहो या निष्काम कर्म कहो, कर्म तो है ही, दोनों का फल आता ही है। कर्म फल दिए बगैर नहीं छोड़ता है, और रियल पुरुषार्थ है आत्मा का जो पुरुषार्थ है, वहां कर्म नहीं है, कर्म से मुक्ति है। और संचित कर्मों की जो बात बताई है, संचित कर्म यह सूक्ष्म में है, सूक्ष्म में लेके आते है, वो भी कर्म है। उसमें से प्रारब्ध और क्रियमाण होते हैं, तो आप उसमें से एक बार संचित कर्म आ गए, फिर उसमें से आप बच नहीं पाते, फल तो भुगतना ही पड़ता है। और पुरुषार्थ तो शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद ही होता है, नहीं कि उसके प्रति प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करते हैं वह पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ नहीं है। शुद्धात्मा प्राप्त करने के बाद ही रियल पुरुषार्थ शुरू होता है, ज्ञाता दृष्टा शुरू होता है। तब तक भ्रांति का ही पुरुषार्थ है, लेकिन पॉजिटिव पुरुषार्थ है, रियल की ओर ले जाने के लिए किया हुआ है, वो भी फल तो देगा ही। और रियल पुरुषार्थ में फल नहीं आएगा, कर्मों से मुक्ति मिलेगी। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सलेंट टिप्स दी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो चलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505-DADA एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं और dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।